दोस्तों व्हाट्सएप ने यहाँ पे दो न्यू कमाल के फीचर्स को लॉन्च किया है, मगर आप सभी को अभी ये फीचर्स नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे करना होगा इंतजार 15 से 30 दिन का, उसके बाद आप सभी को भी शायद ये अपडेट मिल जाए। मगर जो बीटा टेस्टर्स है उन सभी को ये व्हाट्सएप का फीचर जो है वो अभी उन लोगों के लिए अवेलेबल हो चुका है। अब दोस्तों अगर इस वीडियो पे 1000 से ज्यादा व्यूज चला जाता है और अब तक आपको पास ये अपडेट अवेलेबल नहीं हुआ है ऑफिशियली व्हाट्सएप की तरफ से, तो मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करूंगा कि आप सभी को ये फीचर जो है जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाए, भले ही उसका अपडेट आपको व्हाट्सएप पे आए या नहीं आए प्ले स्टोर पे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल, आप सभी देख रहे हैं टेक चैनल ब्लूरेस रॉक। तो कैसे हो आप लोग? तो चलिए देखते हैं ये कौन से दो कमाल के नए अपडेट हैं। तो दोस्तों आप सभी को याद है कि जब आपके फ्रेंड्स आपको कोई भी व्हाट्सएप पे फोटोज या वीडियो सेंड करते हैं और गलती से वो फोटोज या वीडियो जो आपकी गैलरी से डिलीट हो जाता है, तो आपको वो फोटोज या वो जो वीडियोस है उसको दोबारा से डाउनलोड करने का ऑप्शन व्हाट्सएप नहीं देता है। तो दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सएप का जो नया अपडेट आया उसमें आपका जो फोटोज या जो भी वीडियोस जो आपके फ्रेंड ने आपको सेंड किया और वो अगर गलती से आपकी गैलरी से डिलीट हो जाता है, तो आपको उन सारे फोटोज उन सारे वीडियोस को दोबारा से डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है आपको अपने चैट में वापस से मिल जाएगा। तो आप चाहो तो बार बार अपनी गैलरी से उन फोटोज को डिलीट करो और बाद में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा अपडेट है वो काफी कमाल का है और ये उनके लिए स्पेशली काफी मजेदार होगा जिनको मैसेज लिखने से ज्यादा बोलना पसंद है। तो दोस्तों आप सभी को याद होगा कि अगर आपको कोई वॉइस नोट सेंड करना होता है तो आपको व्हाट्सएप पे वो छोटा सा जो आइकन है वो माइक वाला आइकन उसको दबा के रखे रहो और उसके बाद बोलते रहो, आइकन को छोड़ने का नहीं। अगर आइकन छूट जाता है तो फिर जो वॉइस नोट है वो सेंड हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम था आइकन को जबरदस्ती पकड़ के रखे रहने का, इसको व्हाट्सएप ने सॉल्व कर दिया। दोस्तों इस बारी आपको करना ये है कि जब आपको किसी को भी वॉइस नोट सेंड करना है तो आपको उस माइक के आइकन को पकड़ के रखना है, प्रेस करना है, उसके बाद आपको उस आइकन को ड्रैग करके ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। उससे होएगा क्या कि आपको स्क्रीन पे एक छोटा सा लॉक का आइकन दिखेगा और जब आप उसको ड्रैग करके ऊपर पहुंचा दोगे तो वो पूरे तरीके से लॉक हो जाएगा और आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो कंटिन्यूअस चलते रहेगी। अब आपको वो आइकन को प्रेस करने का जरूरत नहीं है। अब जब आप सेंड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो वो जो ऑडियो जो रिकॉर्ड होगा वो सेंड हो जाएगा, और अगर कैंसिल वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली कि जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड नहीं होगा और जो ऑडियो है वो जाएगा नहीं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये नए अपडेट काफी पसंद आएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले YouTube पे मैंने आप सभी को इसके बारे में बताया, तो भाई इस वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और अगर आप सभी को ये दोनों फीचर्स अभी के अभी तुरंत से यूज करना है तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो भाई, अपनी ताकत को दिखाओ। इतने सारे फ्रेंड्स से सबके साथ अगर इस वीडियो को शेयर करोगे तो 1000 व्यूज लाना इस वीडियो पे कोई बड़ी बात नहीं। और एक बार 1000 व्यूज आ गया तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जरूर कि आप सभी को भी ये जो व्हाट्सएप के फीचर्स हैं वो अभी के अभी आपको अवेलेबल हो जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, जय हिंद।